Hi friends, let us see syntax exercise. In this video lecture, I will discuss about some 10 sentences that is written in false situation. You have need to give correct answer. आपको सही उत्तर देना है और ये 10 sentence यहाँ पे लिए गए हैं. इसमें आपको ये बताना है कि इसमें गलती कहाँ पे है और गलती है कि एकदम सही है. इस प्रकार से आपको अपना आंसर देना है. तो बिना किसी देरी के इसको सीधा फटाफट देख लेते हैं. एक्सरसाइज 2 है ये. यहाँ पे नाउन से रिलेटेड है. ये पार्ट हमारा 10 है. यहाँ देखते हैं करेक्ट द मिस्टेक्स, माने कि दिए गए सेंटेंस में अगर कोई मिस्टेक है तो आपको सही करना है. इफ एनी, यदि कोई है तो करना है, नहीं है तो ऐसे ही सही बता देना है. ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यहाँ पे, क्योंकि ईच फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन. क्या देखते हैं नंबर फर्स्ट पे, मैनी सीप्स एंड डियर्स आर देयर इन द पार्क. तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे हमारा जो फाइट है वो क्या है. तो यहाँ पे सीप और डियर में यस नहीं जुड़ता है, ये ग्रामर का नियम होता है. तो हमारा ये यस यहाँ पे हटा देंगे और यहाँ पे यस ये हटा देंगे. तो अब हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया है, मैनी सीप एंड डियर. तो हमारी जो जो वर्ब है वो यहाँ पे शो कर रही है कि हमारा ये डियर है या जो सीप है ये प्लूरल है ना. और एक नियम ये भी होता है कि कंजंक्शन एंड जब जोड़ता है तब भी प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है. तो यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस एकदम से सही हो गया है. और इसके बाद आगे देखते हैं बिना ब्रेक के, अवर सराउंडिंग इज आउटफुल. तो यहाँ पे अवर सराउंडिंग इज आउटफुल, इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, ये एकदम से सही है. और फ्रेंड्स बताना चाहेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर सही बात भी बताई जाए या कुछ अच्छी बात शेयर की जाए तो उनको थोड़ा खराब लगता है. पता नहीं वो किस प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो कभी इस प्रकार की बात नहीं करते हैं. आगे देखते हैं, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश. अब यहाँ क्या मिस्टेक है, तो आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मार्क मीन्स चिन्ह होता है, मार्क्स मीन्स अंक होते हैं. तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपका एकदम से सही हो गया है. आगे देखते हैं, ही टोक हिज क्लॉथिंग एंड लेफ्ट द प्लेस विदाउट इन्फॉर्मिंग अस. तो यहाँ पर भी कोई गलती नहीं है सेंटेंस में और यह सेंटेंस एकदम से सही है. और इसके बाद आगे देखते हैं, आई हैव रेड सेवरल बुक्स ऑफ पॉटरी, आई हैव रेड सेवरल बुक्स ऑफ पॉटरी. तो यहां पे हो जाएगा, आई हैव रेड सेवरल बुक्स, सेवरल सेट ऑफ बुक्स ऑफ पॉटरी. अगर इसको प्लूरल करना है तो प्लूरल यहीं कर देंगे, आई हैव रेड सेवरल सेट ऑफ सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ पॉटरी. यहां पॉटरी में आई एस नहीं लगाएंगे. अगर इसको प्लूरल करना है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, या इसको अगर हटा भी दें तब भी सही रहेगा, आई हैव रेड सेवरल बुक्स ऑफ पॉटरी. अगर ये सेट्स ऑफ ना करें तब भी यहाँ पे हमारा सेंटेंस सही है, दो प्रकार से सही है, कहने का तात्पर्य ये है. अगर इसको प्लूरल करना है तो आपको इस प्रकार से करना है, अगर इसको हटा भी दें तब भी ये मीनिंगफुल है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें. आगे देखते हैं, देर बाद लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज. तो यहाँ पे करना क्या है, देयर आर ए कर लो यहाँ पे, ठीक यहाँ पे कर देंगे, देयर आर सॉरी देयर वाज ए लॉट ऑफ, तो यहाँ पे वर कर देंगे, देयर वर ए लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज, है ना. या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देयर वर लॉट्स ऑफ मिस्टेक
in your exercise. There were lots of mistakes in your exercise. तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा कर दिया है ना, तो यहाँ पे इस प्रकार से सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्लीज हेल्प द पुअर्स। तो यहाँ पुअर्स आप देख रहे हैं तो पुअर्स में यस नहीं जुड़ेगा। प्लीज हेल्प द पुअर एंड द नीडी, यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो भी ये भारत सेंटेंस सही हो जाएगा इस प्रकार से। और इसके बाद आगे देखते हैं, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर मोर चार्मिंग। तो सीनरी नहीं होगा यहां पे, द सीनरी ऑफ कश्मीर, तो यहां पे दस हो जाएगा, द पीसेस ऑफ, द पीसेस ऑफ सीनरी ऑफ कश्मीर आर मोर चार्मिंग, अब सही है यहां पे। इसके बाद देखते हैं, द सराउंडिंग ऑफ माई लॉजिंग्स आर प्लीसेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लूरल वर्ब लगाया गया, तो हमें यहाँ पे द सराउंडिंग्स कर देना है, यस जुड़ेगा यहाँ पे, यहाँ फाल्ट है, अब हमारा ये सही हो गया है। और लास्ट जो नंबर दिया गया है, आई लाइक द पोट्रीज ऑफ किड्स, तो अब हो जाएगा आई लाइक पोट्री ऑफ किड्स, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के ये 10 सेंटेंस हैं, शायद आपको पसंद आए होंगे। और यदि आपको लग रहा है कि कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।